मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज की तरह। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं चाइनीज मैगी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही अम्मी लगती है। जब हम मैगी खा रहे हैं तो क्यों ना कुछ डिफरेंट तरीके से बना के खाएं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चाइनीज मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 पीस मैगी के। इसके अलावा मैंने लिए 3 कलर्स कैप्सिकम, हाफ मैंने कट कर ली है, गाजर ली है, एक गाजर मैंने यहाँ बारीक कट कर ली है, थोड़े से मटर के दाने, एक छोटे साइज का प्याज और 4-5 कली लहसुन की मैंने बिल्कुल बारीक पीस के रखी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सब्जियों को लंबा लंबा भी काट सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है, अब हम सबसे पहले लहसुन फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है, अब हम प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मटर डाल दी हैं, गाजर, 3 कलर कैप्सिकम, और भी आप कोई सब्जी पसंद करते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल दूंगी, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर दें। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ। 1 चम्मच हम टमाटो केचप डाल देंगे। सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैंने यहाँ पे 2 पीस मैगी ली है, इसलिए मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, पानी बॉईल होने लग गया है, अब हम इसमें टेस्ट मेकर डाल देंगे। हमने यहाँ 2 पाउच मैगी के लिए हैं, इसलिए टेस्ट मेकर भी हम 2 पाउच ही डालेंगे। मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। आप चाहें तो मैगी तोड़ करके भी डाल सकते हैं, वरना आप साबुत भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैगी रेडी है, अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप रेड कलर की डाल देंगे। आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लुकिंग में बहुत सुंदर लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, चाइनीज मैगी बिल्कुल रेडी है, लुकिंग में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैगी हमने सर्व कर दी है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है बारीक कट करके, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चीज क्यूब किस करके डाल दी है। जब हम मैगी खा रहे हैं तो क्यों ना बहुत यम्मी बना करके खाएं। तो फ्रेंड्स, जब आपका मन करे तब ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।